अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आपको अपने लव हैंडल्स फिक्स करना है ना, बेली फैट भी रिड्यूस करना है और हिप्स और थाइस का फैट भी रिड्यूस करना है, तो आज कुछ एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो आप आज से ही परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो 2 मंथ्स में जाकर आपकी बॉडी शेप में आएगी। इसके अलावा इसके साथ डाइट क्या लेनी है और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं वो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी। पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। और आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने घर में ही कर सकते हैं, बल्कि आप अपने रूम में छोटी सी जगह पर भी इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन है, या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट है, या जिन लोगों को कोई हार्ट डिजीज़ है, या कोई बैक एक है, तो वो इन सब एक्सरसाइजेस को परफॉर्म काइंडली नहीं करें। पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, वहाँ जाकर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइजेस अपने डॉक्टर से पूछ के परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने में हमें हेल्प आउट किया है मिसेस सालिहा सुलेमान ने, जो कि CEO हैं सैलीज ब्यूटी एंड फिटनेस सेंटर की, और फिटनेस ट्रेनर हैं जिमहॉलिक्स की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी सालिहा सुलेमान, CEO ऑफ सैलीज ब्यूटी एंड फिटनेस एंड फिटनेस ट्रेनर ऑफ जिमहॉलिक्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करना चाह रही हूं जो कि आप घर बैठे इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपके फैट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हर एक्सरसाइज को आपने 15 times परफॉर्म करना है, उसके 2 to 3 sets आपको करने, ठीक है। 15 पॉसिबल है, 15 वरना दो 20 एक्सरसाइज को आपने रिपीट कर रहा है। सबसे पहले हम करेंगे फास्ट वॉक, ये हमारी बॉडी अभी इस एक्सरसाइज से हमारी बॉडी वार्म अप होगी। फास्ट वॉक करी हमने, साइड वॉक, 1 2 3 4, इस तरह आपने इसको रिपीट करना है। और उसमें भी आप 4 to 5 रिपीटिशंस करके आप 10 seconds का ब्रेक लेंगे, उसके बाद 2 to 3 sets आप इसके इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। फिर आपने करने हैं काफ रेजेस। काफ रेजेस 1 2 3 4, जो कि 15 times आपने कर दी है। हम सबसे पहले करेंगे साइड लेग रेजेस, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रहा है तो आप वॉल का सहारा लेंगे, वॉल के सहारे से आप इस तरह कर सकते हैं, 1 2 3। अब हम करेंगे हाई नीज, जिसमें आपके नीज हाई होंगे, हाथ आपके वहीं पे रहेंगे, आपके नीज हाई होंगे, और आपने इसको भी 15 times करना है, 2 or 3 rounds। अब आपने साइड बेंड्स करने, 15 times ईच साइड। इसके भी 2 or 3 rounds। सबसे पहले हम करेंगे क्रंचेस, इसको भी आपने 15 times करना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 15 times। बाइसाइकिल क्रंचेस, इसको भी 15 times विद 2 or 3 sets। एक्सरसाइजेस है हमारी रशियन ट्विस्ट, जिसमें आपने अपनी बॉडी को स्लाइटली पीछे करना है, और जो बहुत ज्यादा हैवी वेटेड लोग हैं वो अपने लेग्स को फ्लोर से ऊपर नहीं करेंगे, आप पीछे ही रखेंगे और इस तरह से रशियन ट्विस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो कि नॉर्मल वेट लोग हैं वो अपने लेग्स को अप करेंगे और फिर उसके बाद रशियन ट्विस्ट करेंगे, इसको भी 15 times 2 or 3 sets। हर एक्सरसाइजेस को आपने 2 or 3 sets में कंप्लीट करना है, और 15 उसके रैप्स होंगे। रैप्स आप इसको बढ़ा सकते हैं, 20-30 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप 15 रैप्स से ही स्टार्ट करें। होल्ड में जाते हुए आप लोगों ने अपने होल्ड को टाइट रखा है, और आप इस तरह एल्बो पोजिशन में जाए और आप प्लैंक होल्ड करेंगे। 30 सेकंड के लिए आपने प्लैंक होल्ड किया है, आस्ते आस्ते आप अपने टाइम को इंक्रीज करेंगे, इसके लिए आपने 3 सेट कर लें, 3 सेट करेंगे इसके भी आप 30-30 सेकंड्स के।
थैंक यू सो मच सालिहा, गॉड ब्लेस यू। तो ये था होम वर्कआउट टू फिक्स योर लव हैंडल्स, टू रिड्यूस योर बेली फैट एंड टू रिड्यूस योर हिप्स एंड थाइस का फैट। जहाँ ये एक्सरसाइजेस करके आप अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ अपने डाइट और कुछ रूटीन में आपने ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जिनके करने से आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाए, ठीक है। उसमें ये है कि आपने भूख रख के खाना खाना है, ठीक है। नंबर टू ये कि आपने वीक में 5 डेज आपने 12 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और उसमें आपके वीकेंड्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा वीक में 2 टाइम्स आप 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, जैसे हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस किया करते थे, वो तो रोज़ा रखते थे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें ताकि रमदान तक पहुँचने में आपको रोज़े रखने में आसानी हो जाए, ठीक है। फास्टिंग करने से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपका फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको अपनी नींद का ख्याल रखना है, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो भी आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाती है। कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने स्ट्रेस से दूर रहना है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी आपने एक्सरसाइज करनी है, राइट। इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शुगर से बनी हुई सारी चीज़ें, जूसेस, ड्रिंक्स, वाइट आटे से बनी हुई सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। चावल, रोटी, आलू, मटर, कॉर्न्स, इन सब चीज़ों का आपने कम से कम कंज्यूम करना है अपनी डाइट में, राइट। तो फिर आपके इंसुलिन लेवल जो है वो कम से कम होंगे और आपकी बॉडी ईजिली फैट बर्न कर सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।